अरे यार बहुत जबरदस्त सीन है, देखो समीर। हाँ यार, या तो वाकई अमरीका की लग रही है। अरे भाई हमको भी बताओ, हम भी सर्च करके निकाल लें। अरे भाई वो क्या सीन होगी, और देखो हमारे मोबाइल में बहुत जबरदस्त डांस है, यूट्यूब पर सभी लोग देखते होंगे। हाँ यार वाकई में क्या डांस है। अरे चौड़का मोबाइलवा, अरे चौड़का मोबाइलवा वाले, का मर्दो दादा का चिल्ला थे का भवा, जल्दी बतावा, इतनी जबरदस्त सीन देखत रहे तो आके मुड़वा खराब कर दिया। अरे बाबू तोरी जैसी सीन हम बहुत देखे हैं, लेकिन ये झोला छाप वाली टीवी से नहीं, ये तो सबकी बीवी बन जा तू। अगर एक दो घंटा खातिर ये झोला छाप बीवी ना रहे तो लोगन के ऐसा लगे लगी कि कहीं दिले गायब हुए गवाय, छी छी ससुरा करे। अरे गुनगुना चाचा, तुम्हारे दौर में ये मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, तभी तुमको ऐसा वैसा लग रहा है। इसके फायदे भी तो देखो, जरा सी देर में जिसकी चाहे हाल चल ले लो और जिससे चाहे बात कर लो और जहाँ चाहे इंटरनेट से पैगाम भेज दो, कितना फायदा है। ई कवन है भुकनिया है का रे बाबू, पहले कायदा कायदे से पढ़ ला तब फायदा की बात करिया, जे खुद कायदा का ना है वो फायदा की बात करते। हम मैं गधा समझे है का, वह देखा आए गए मौलवी साहब, अब तू लोग का विदेशी बीवी का नुकसान बताइए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और सब खैरियत से हैं? अब बोला सबकी बीवी जेबा में चली गई। क्या हुआ चाचा, कैसी बीवी? बोला बोला फायदा के कंप्यूटर लोग। क्या बात है भाई, आप ही लोग बताएं। कुछ नहीं, ये हमारे दादा हैं, इनका कहना है कि इंटरनेट से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम, या फायदा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की नई नस्ल नौजवान का लड़के हो या लड़कियां, इसके इस्तेमाल में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं कि घर का काम, दुकान का काम, मदरसे स्कूल का काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, जिसमें खास तौर से फिल्मों का देखना, सीरियल का देखना और गंदी किस्म की बातें लिखकर एक दूसरे को भेजना वगैरह आम हो चुका है। समझ में आवत है कि नहीं? ना समझ में आवत हो तो यो बतावा। आ रहा है समझ में। हाँ तो अपनी अपनी मोहरी में घुसाएला। गुनगुना चाचा मोहरी ना मेमोरी। हाँ हाँ वह मेमोरी। देखो भाइयों, अगर हमें सही तरीके से इंटरनेट का तर्जुमा मालूम हो जाए तो बात कुछ समझ में आ जाए। अब देखो इंटरनेट दो लफ्ज है, एक इंटर और दूसरे नेट। इंटर का माना है दाखिल होना और नेट का माना जाल। दोनों का माना बन गया जाल में दाखिल होना, कितना खतरनाक है। रहेगी बात फायदे की तो फायदा बहुत मुख्तसर है, और फिर जो चीज अल्लाह के जिक्र और इबादत से गाफिल कर दे उसका कोई फायदा नहीं। अरे मौलवी साहब, ये हारमोनिया और दज्जाल का जाल लेके जहाँ चार लड़के बैठन हैं, बुलावा करा बस हूँ करा करिए। नहीं भाइयों ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से किसी का फायदा तो होगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम में बेहतर शख्स वो है जिसकी जबान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हर किसी की मदद करें, हम किसी के काम आ जाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत का बर्ताव करते हुए उसके दुखों दर्द में शरीक हो जाएं, और वही औकात हम किसी के भलाई के लिए दे दे तो सबसे बड़ा फायदा होगा, और तो सबसे बड़ा फायदा होगा। इसमें हमारे रुपये पैसा भी बहुत बर्बाद हो रहा है। अरे मौलवी साहब गुड़वा उड़वा पिराय लगा है, का हो फायदा बाबू समझे? हाँ इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जज़ाकअल्लाह। अच्छा अब चलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चला चला बहुत खूब माशाल्लाह।
ये इंटरनेट के तालुक से जो इंटरनेट पर आज हमारे नौजवान खास तौर से आमतौर पर सभी लोग इसमें मुब्तला हैं और देखो किसी चीज का इस्तेमाल करना बुरा नहीं होता है, असल बुराई उससे सीखना और बुराई करना, बुराई जहनों में रखना, बुराई फैलाना, ये सब बहुत बुरा है। इसलिए खास तौर से इससे बचने की तालीम इस मकालमा के अंदर मौजूद थी। अल्लाह ताला हम सबको इंटरनेट की तमाम आफात बलियात से हमारी हिफाजत फरमाए।